हेलो फ्रेंड, निटिंग डिज़ाइन में देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा हमने टू कलर डिज़ाइन बनाई है। बहुत छोटी छोटी सी डिज़ाइन है और आप किसी भी स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन पे बनाइए, जेंट्स स्वेटर पे भी बनाइए, तब भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत आएगी। बेबी कैप पे भी डिज़ाइन अच्छी लगेगी। और देखिए, मैं दिखाती हूँ बैक साइड से हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से दिखती है। बहुत ही आसान और सिंपल से हमारी ये डिज़ाइन है। कोई भी बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकता है। और इसी डिज़ाइन को जब कैप पे बनाया गया है तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। तो पहले आइए हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। ये देखिए, इस दो रंग की डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 16 के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो ये डिज़ाइन सेट हो जाएगी। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालिए, बॉर्डर बनाइए, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाने के बाद इस डिज़ाइन को स्टार्ट करिए। तो आइए देखते हैं इसकी फर्स्ट रो। और इसमें सबसे पहले हमारा बेस कलर ब्लैक आएगा। 1, 2, 3 फंदे ब्लैक के हो जाएंगे और अब हमारा वाइट आएगा और 1 हम वाइट से करेंगे और 1 वाइट के बाद फिर हमारा ब्लैक आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 फंदे ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1 हमारा ब्लैक। तो देखिए, यहाँ वाइट के 1, 2, 3, 4 4 बार एक एक फंदे वाइट आए हैं। और अब देखिए, हम इस 3 ब्लैक से लेकर 1 ब्लैक तक की डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो फिर कैसे रिपीट करना है देखिए। 1, 2, 3 फंदे हम ब्लैक के करेंगे, 1 वाइट, 1, 2, 3, 4 फंदे ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, फिर हमारा ब्लैक आएगा, 1 ब्लैक, 1 वाइट और 1 हम ब्लैक से करेंगे। तो इसी तरह से हमें फंदों को बार बार रिपीट करना है। देखिए, जब हम इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे तो शुरू के 1 वाइट के पहले 3 फंदे ब्लैक के रहेंगे और जब हम रो के बीच में आएंगे तो दोनों साइड 4-4 फंदे हो जाएंगे। यहाँ देखिए, 4-4 फंदे। तो इसी तरह से हमें फंदों को बार बार रिपीट करते हुए बनाना है। ये हमारी रो 2 है और इसमें देखिए, सबसे पहले 1, 2 फंदे हम ब्लैक के करेंगे, 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1 हमारा वाइट आएगा और अब ब्लैक कलर से 1, 2, 3, 4 फंदे ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1, 2 फंदे ब्लैक। और अब हम इस 2 ब्लैक से लेकर इस 2 ब्लैक तक की डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो फिर हम आपको रिपीट करके भी दिखा रहे हैं, देखिए कैसे करना है। इसी के आगे हम रिपीट करेंगे, 1, 2 ब्लैक, 1 वाइट, 1 ब्लैक, फिर 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1, 2, 3, 4 फंदे ब्लैक के, 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1, 2 फंदे ब्लैक। तो इसी तरह से हमें फंदों को बार बार रिपीट करना है। तो देखिए, एक बार
एक एक फंदे 3 बार वाइट कहेंगे, 1 बार 2 बार, फिर यहाँ एक एक करके 3 फंदे वाइट के और 1 बार 2 बार। तो इस तरह से हमारी पूरी रो बनेगी। ये देखिए अब हम रो 3 पे हैं और इसमें सबसे पहले 1 हम ब्लैक से करेंगे और इसके बाद देखिए 1 white 1 black 1 white 1 black 1 हमारा वाइट। तो वाइट के 1 2 3 तीन बार के फंदे वाइट के आए हैं। अब देखिए 1 2 3 4 फंदे ब्लैक, 1 white 1 black 1 white 1 2 3 फंदे ब्लैक के। अब हम इस 1 ब्लैक से लेकर 3 ब्लैक तक के डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो फिर रिपीट करते हैं, 1 हमें ब्लैक से करना है, 1 white 1 black 1 white 1 black 1 white 1 2 3 4 फंदे ब्लैक, 1 white 1 black 1 white 1 2 3 फंदे ब्लैक। तो इसी तरह से हमें फंदों को बार बार रिपीट करते हुए बनाना है। ये देखिए अब हम रो 4 पे हैं और इसमें 1 2 3 4 फंदे ब्लैक, 1 white 1 2 3 4 ब्लैक। अब यहाँ से देखिए 1 white 1 black 1 white 1 black 1 white 1 black और 1 हमारा वाइट। तो वाइट के देखिए 1 2 3 4 4 बार एक एक फंदे हमारे यहाँ वाइट के आए हैं। अब हम इस 4 ब्लैक से लेकर 1 वाइट तक के डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो फिर रिपीट करके दिखाते हैं, 1 2 3 4 फंदे ब्लैक, 1 white 1 2 3 4 ब्लैक, 1 white 1 black 1 white 1 black 1 white 1 black और 1 हमारा वाइट। तो इसी तरह से हमें फंदों को बार बार रिपीट करते हुए बनाना है। ये देखिए रो 4 तक हमारी ये डिज़ाइन इस तरह से बन गई है। अब हम रो 5 में हैं और रो 5 हमारी पूरी ब्लैक कलर से बनेगी। जो फंदे वाइट के दिख रहे हैं उसे भी ब्लैक करना है, जो फंदे ब्लैक हैं उसे भी ब्लैक। तो ये पूरी रो अब हमारी ब्लैक से बनेगी। तो बनाकर फिर हम आपको दिखाते हैं। और देखिए इस पूरी रो को हमने ब्लैक कलर से बना लिया है। अब हम बैक साइड पे रो नंबर 6 पे हैं और रो 6 भी पूरी हमारी अब ब्लैक कलर से बनेगी। तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे हम ब्लैक कलर से ही बनाएंगे। तो ये पूरी रो बनाकर फिर हम आपको बताते हैं। ये देखिए 6 रो में मेरी ये एक डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। और इसके बाद फिर हम रो 1 से लेकर रो 6 तक की डिज़ाइन को बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए इसी 6 रो की डिज़ाइन को जब मैंने बार बार रिपीट किया है तो कितनी खूबसूरत और प्यारी सी हमारी डिज़ाइन बन के आई है। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।